बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर पिछले कई दिनों से खनन कारोबारी, खनन रॉयल्टी और फिटनेस सेंटर को निजी हाथों में देने का विरोध किया जा रहा है। 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, विरोध प्रदर्शन लगातार फिर भी जारी है, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके विरोध में खनन कारोबारियों ने आज हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसके बाद भारी संख्या में खनन कारोबारियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के साथ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क पहुंचे। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर नोक झोंक देखने को मिली है। कारोबारियों का कहना है कि खनन चालू करने के लिए प्रशासन को उनको दबाव में लेने के लिए तरह तरह के उत्पीड़न कर रहे हैं, जहां कुछ खनन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इधर SDM पारितोष वर्मा ने कहा कि खनन कारोबारियों को बिना परमिशन के रैली निकालने से रोका गया है और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फीस मांग रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं निकल पा रही है, जिससे हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है स्कूल की फीस लाने का। इसलिए हमें पढ़ाई भी सही से नहीं कराई जा रही है, गोला के काम में दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारे पापा सरकार ने गोला ठेके में दे दी। मैम स्कूल से बाहर निकाल दिया, नहीं कह रही फीस लेकर आओ, लेकिन फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, सरकार और प्रशासन जितना चाहे गोला संघर्ष समिति से लोगों को, जुड़े हुए लोगों को कुचल ले, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम आज भी अपनी रैली निकालेंगे। ये हमारा जो गोला संघर्ष समिति का एक कार्यक्रम था 25 तारीख को रैली का, उसको लेकर प्रशासन ने तरह तरह का हम पे दबाव बनाया, लेकिन ये हमारी रोजगार की लड़ाई है। हमने जो है हर हाल में क्या, हम रैली निकालेंगे। शासन इंदिरा नगर गेट के कुछ वाहन स्वामी थे जिनके द्वारा बिना अनुमति के यहाँ पर जुलूस निकाला जाता और इनको यहाँ पर वनबुलबुरा चौकी के पास रोक दिया गया, और इनके जो भी मांगे हैं इनके संबंध में ज्ञापन इनसे प्राप्त कर लिया गया।